हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग है दिल्ली टू हरियाणा। तो आज मैं जा रही हूँ हरियाणा, और जैसे हरियाणा में मेरा मायका है तो वहीं जा रही हूँ आज मैं। और मेन पर्पज़ वहाँ जाने का है, मुझे जाना है अपनी यूनिवर्सिटी। तो अभी हम पहुँच गए हैं पटौदी, और पटौदी जाके हमें करना है बस का वेट। तो अभी ये था कि उनके साथ तो आना नहीं बना, क्योंकि उनकी छुट्टी भी नहीं थी और फिर वो रुकते भी नहीं। यहाँ जाने का मतलब है पूरा 2 दिन लगाने ही होता है, क्योंकि रास्ता इतना लंबा हो जाता है। और हमने यहाँ से ली अपनी बस, तो हमने यहाँ हेली मंडी से अपने गांव की बस ली है और यहाँ बैठ गए हम बस में। और ये पहुँच गए हम अपने गांव की गलियों में। तो अभी घर में एंट्री की है, और मम्मी को बताया नहीं था, तो मम्मी को यही रास्ते में हेली मंडी आके बताया कि हम आ रहे हैं। और यहाँ मम्मी लगी हुई थी अपने काम में, अपने सिलाई बुनाई के काम में। फिर हमने खाना वाना खाया, बाद में चाय वाय पी, और नेक्स्ट डे के लिए हम तैयार हो गए। अभी जाना था यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेन पर्पस यही था कि मुझे यूनिवर्सिटी के काम से आई थी तो यूनिवर्सिटी जाना था मेरे को। और यहाँ कोने उठा लिया था एक अपना थैला, तो मैं वही बार बार रखने जा रही थी। और इस थैले में इसने अपना मेकअप का सामान रखा हुआ था, तो वो रख दिया, और फिर भी इसने छोड़ा नहीं, ले जाके ही मानी। बहुत रोई है इसके लिए, और ये जाने को तैयार नहीं थी। और फिर यहाँ से ली बस हमने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की, और पहुँच गए यूनिवर्सिटी। तो दिखाती हूँ मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी, काफ़ी बड़ी थी। और किसी को एडमिशन लेना हो तो इस यूनिवर्सिटी में ऑफकोर्स ले सकता है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्राउडेड नहीं है। और बस थोड़ा सा ना यहाँ पे डिस्टेंस के लिए, जैसे आप कहीं दूर से हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। हॉस्टल की अवेलेबिलिटी थोड़ी ऐसी ही है, मिल भी जाता है और नहीं भी, तो पीजी अरेंज करना होता है। और थोड़े पास के बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी है जाने आने में, क्योंकि बस जो है, बस की सुविधा है यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। और यूनिवर्सिटी की खुद की बस चलती है, और यहाँ से पास वगैरह भी बन जाते हैं यूनिवर्सिटी में ही। तो ये देखिए, ये वाला डिपार्टमेंट है कॉमर्स डिपार्टमेंट, इधर वाला, तो इधर एंट्री पे ही पड़ता है। और आगे जाके ये है कि छोटी सी कैंटीन यहाँ पे, तो ये कैंटीन भी काफ़ी, मतलब छोटी नहीं कह सकते, सब कुछ अवेलेबल है इस छोटी सी कैंटीन के अंदर। दिखती छोटी है, बाकी सब कुछ है इसके अंदर। और यहाँ से वहाँ जाने में कम से कम हमें लग जाते हैं 7 से 8 मिनट, तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। मतलब पैदल आप चलोगे तो थक जाओगे, तो हम फिर भी अपने पैदल ही गए थे यहाँ से वहाँ तक। और ये देखिए, इंदिरा गांधी का स्टैचू भी यहाँ पे बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है। और जैसे कि नाम ही इसका इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, तो इन्हीं के नाम पे है ऑब्वियसली। तो यहाँ ये कुछ छोटे छोटे पार्क्स भी बने हुए हैं, बाकी कोई ज़्यादा यहाँ पे, मतलब माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पे। हम ये नहीं कह सकते जैसे और यूनिवर्सिटियों में है, उस तरीके का माहौल यहाँ पे नहीं है। और फिर पहुँच गए हम अपने डिपार्टमेंट पे, तो मुझे जूलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जाना था, और यहाँ कुहू का आतंक शुरू हो गया था, और मैंने ले ली थी यहाँ से क्लर्क से DMC, और फिर मिले हम टीचरों से। तो टीचर भी यहाँ काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं और बहुत अच्छे टीचर हैं। मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो हर बच्चे को जानते हैं, जैसे कोई मीडियम बच्चा होता है, इंटेलिजेंट को तो सभी जानते हैं। ये है जूलॉजी डिपार्टमेंट, और यहाँ पे मुझे अपनी एक और टीचर से मिलना था। तो यहाँ एक्चुअली जो मेरा एक क्लासमेट था, उसी का CSIR अच्छी रैंक से JRF 51 से वो असिस्टेंट प्रोफेसर यहीं पे लग गया, और काफ़ी अच्छा लगा, वो मिल गया, उसने सारे काम इतनी ईजिली करा दिए। और फिर मिले टीचर से, और फिर हमने अपनी वापस से बस पकड़ने के लिए हम आ गए बाहर। तो देखिए, ये बड़ा सा बोर्ड फ्रंट गेट का है, तो ये 2 गेट हैं यहाँ पे, एक आगे है और एक पीछे है। और थोड़ा एक्सप्लोर कराती हूँ मैं आपको यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे लिटरली आप अगर पैदल चलते तो थक जाएंगे, तो जिस जिनके पास स्कूटी वकूटी होती है वो उनका ठीक है। और यूनिवर्सिटी का जो रास्ता है काफ़ी लंबा है, और हमें कुहू के साथ पैदल ही चले तो बहुत थक गए थे। तो ये है एग्जिट गेट, या जहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं, और यहीं से बस जो है वो आती है। और यहाँ पे साइड में भी है कुछ पार्क, और ये हाथ ही नहीं आ रही थी इसका, तो बस हाथ उंगली पकड़ी और ये कहीं गायब। और पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर ये अच्छे से कुहू बहुत घूमी, और बहुत सारे बच्चे इसको जान गए, सभी इसको खिला भी रहे थे। और अब चलते हैं यूनिवर्सिटी के बाहर। तो ये बाहर निकाल लगाते एक भैया यहाँ पे पानी पूरी की स्टोर,
और बहुत फेमस है, तो एक स्टॉल है तो काफ़ी अच्छी इनकी आमदनी हो जाती है, यहाँ भीड़ लगी रहती है। और यहाँ से हमने ली फिर बस और हम पहुँच गए अपने वहाँ पे गांव के अड्डे पे। तो यहाँ पे फिर बस का वेट करना पड़ा हमें यहाँ। और यहाँ से हमने ली जलेबी, और दिखाती हूँ मैं आपको जलेबी बनाने वाले भैया जो उधर उतार रहे हैं, बहुत टेस्टी जलेबी उन्होंने बनाई। और यहाँ से ख़रीदी हमने जलेबी और हम चल दिए अपनी बस पकड़ के फिर घर। और बस में ले रखा था कून एक भोपू सा और उसको बजाया, और व्लॉग हो गए कंप्लीट। थैंक यू, बाय बाय।